हमारा इस कार्यकाल का ये पांचवा बजट सत्र 20 तारीख को शुरू होकर आज 27 तारीख को संपन्न हो रहा है। 8 दिन के इस समय में कुल 8 सिटिंग्स हुई और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए। इसमें सबसे पहले दिन महामहिम राज्यपाल जी ने अपना अभिभाषण देकर के इस सत्र का प्रारंभ कराया, उसके ऊपर चर्चा हुई। हमारे वित्त मंत्री जी ने हमारा इस कार्यकाल का जो पांचवा बजट है वो प्रस्तुत किया, सब सदस्यों ने चर्चा की। कुल 8 सिटिंग्स में 30 घंटे की चर्चा ये हुई है। मैं आज इस बजट सत्र के इस समापन के समय पर महामहिम राज्यपाल जी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और साथ ही सभी सदस्य जिन्होंने अपनी सार्थक चर्चा से इसको संपन्न कराया है। हमारे मीडियाकर्मी, सभी हमारे पत्रकार बंधु, उन्होंने भी अपनी समय भूमिका निभाई है। सभी विधानसभा के अधिकारी कर्मचारी, उन्होंने भी बहुत एक सहयोग किया है। उनके सहयोग के बिना भी इस प्रकार का सत्र संपन्न करना कठिन होता है। और अंत में अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदया ने अपनी टीम के साथ जिस सराहनीय ढंग से इस सत्र को संपन्न कराया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं पहले भी इस बात की चर्चा कर चुका हूं और मैं पूरे सदन को आश्वस्त कर रहा हूं आज कि अपना इसी यानी विधानसभा का ये जो कार्यकाल चल रहा है, इसका अगला सत्र अगस्त के महीने में निश्चित होगा और हम चाहेंगे चुनाव अपने निश्चित समय पर हो। मैं क्या सारे देश में एक जो चर्चा चली है और प्रायः सहमति ये बनने जा रही है कि सभी चुनाव एक साथ कराए जाएं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब तक पार्लियामेंट की ओर से, जब तक राष्ट्रीय स्तर पर ये निर्णय नहीं हो जाता कि सब चुनाव एक साथ कराएंगे, तब तक मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये चुनाव तो लोकसभा में आ ही गए। अब अगला चुनाव 2024 तक अगर ये वातावरण बनता तो उस समय तक होने चाहिए। और जहाँ तक एक विषय, चाहे ये जीत जाए चाहे हार जाए, इनको एक जो सपना आता रहता है वो शब्द है ई। ई से बनता है एक, वी, वी से बनता है वहम, और एम, एम मतलब मेरा, एक वहम मेरा, ये इनका वहम हमेशा बना रहेगा, चाहे जीत जाए चाहे हार जाए।